दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी द स्टोरी ऑफ इजिप्टियन गॉडेस वाटशेट के ऊपर। हम जानेंगे कि वाटशेट कौन है, उनके पास क्या और कैसी शक्तियाँ है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का सजेशन मुझे अपने एक व्यूअर ने दिया था, जिसका आप कमेंट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों जानते हैं कि वाटशेट कौन है। वाटशेट जिसे वर्जिट भी कहा जाता है, जिसे भूटो यूटो या एडसो भी कहा जाता है, प्राचीन मिश्र की कोबरा देवी है। वह निचले मिश्र की संरक्षक देवी है। वर्जिट को बच्चे के जन्म की देवी और बच्चों के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया था और बाद में वर्षों में वह राजाओं की रक्षक बन गई। वर्जिट की भूमिका को अक्सर एक सशक्त रक्षक के रूप में देखा जाता था, जबकि उनकी बहन नेकबेट को मात्र रक्षक के रूप में पूजा जाता था। अब बात करते हैं कि वर्जिट के पास क्या क्या पावर्स है। वर्जिट के पास हीट और फायर की पावर्स है। वो सांपों की देवी होने के नाते वो सांपों को भी कंट्रोल कर सकती है और अपने मुंह से खतरनाक जहर निकाल सकती है। ये सारी पावर्स उनके पास है। क्या वर्जिट रा की बेटी है? एक अन्य मिथक के अनुसार वर्जिट एटम बाद में रा की बेटी थी। नून के पानी में खो जाने पर टेपनट और शू को खोजने के लिए अपनी आँख के रूप में भेजा था। जब वे लौटे तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने रोया और अपने आंसू से पहले इंसान की रचना की। अपनी बेटी को पुरस्कार देने के लिए उसने उसे कोबरा के रूप में अपने सिर पर रखा, ताकि वह हमेशा उसके करीब रहे और उसकी रक्षा के रूप में कार्य कर सके। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि वाटशेट कैसी दिखती है। उसे अक्सर केवल एक सांप के सिर वाली महिला के रूप में या यूरिया पहने वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया था। यूरिया मूल रूप से उसका अकेला शरीर था, जो फिरौन या किसी अन्य देवता के सिर के चारों ओर लिपटा हुआ था या कुंडलित था। कौन है ऊपरी इजिप्ट की देवी? नेकबेट मिश्र के धर्म में गीत की देवी है, जो ऊपरी मिश्र और विशेष रूप से उसके शासकों की रक्षक थी और नेकबेट वाटशेट की बहन थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं कि कौन से भगवान सांपों से जुड़े थे। प्राचीन मिश्रवासी सांपों विशेषकर कोबरा की पूजा करते थे। कोबरा न केवल सूर्य देवता रा से जुड़ा था, बल्कि कई अन्य देवताओं जैसे कि वाटशेट, रेनुटेट, नेकबाऊ और मेरेट सेगर से भी जुड़ा था। एपप की तरह नाक भी दुष्ट और हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।